अकबर मेहंदी की पत्नी की मौत कैसे हुई, सच आया सामने, सच को उजागर करता वीडियो और सुनिए ऑडियो क्लिप। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमने बुधवार 27 मई को आपके सामने एक खबर रखी थी, निजी और सरकारी अस्पतालों द्वारा किस तरीके से मरीजों को नकारा जा रहा है और जिसके चलते लोगों की मौतें हो रही है। ऐसा ही एक मामला इसका हमने रखा था, अकबर मेहंदी इनकी 6 माह की गर्भवती पत्नी का। अस्पताल प्रशासन का दावा है, विधायक तथा मंत्री जितेंद्र अवार से बात करने के दौरान भी प्रशासनिक अधिकारी कालशिखर अस्पताल की आफरीन सौदागर ने दावा किया था कि वो बाहर नहीं मरी थी, और हमसे भी बात करने के दौरान उन्होंने दावा किया था कि वो बाहर नहीं मरी थी। क्या उनकी बातचीत हुई थी? ठाकुरपाड़ा के समाज सेवक हैं अफजल खान, उन्होंने ही विधायक तथा मंत्री जितेंद्र अवार को फोन किया था और उनसे जो बातचीत हुई थी उसकी वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं। उसके बाद कालशिखर अस्पताल जब हम पहुंचे और हमने अकबर मेहंदी से बातचीत की, इस बातचीत के दौरान भी हमने कालशिखर अस्पताल की CEO यानी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आफरीन सौदागर से बात की थी। उन्होंने हमें क्या जानकारी दी और भी हमारी कुछ मुद्दों पर उनसे बात हुई, वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जब पुलिस अस्पताल के MLC रिपोर्ट के करने के बाद वहां पहुंची तो पुलिस का कहना था कि उन्हें रिपोर्ट जो किया गया था उसमें इस महिला के संबंध में ये कहा गया था ब्रॉड डेड। तो ब्रॉड डेड का मतलब ये होता है कि मरीज मृत आया है और आगे की कानूनी कार्रवाई करनी है। तो ये पूरा खुलासा जो है आपको आज की हमारी इस खबर में मिलेगा, किस तरह से रिक्शा में अकबर मेहंदी की पत्नी को लाया गया था वो वीडियो हम आपको बता रहे, मंत्री और विधायक जितेंद्र अहवाड़ का ऑडियो और हमसे जो बातचीत हुई है उसका ऑडियो देखिए किस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ है। दी। दी। क्या नाम है? अस्मा। क्या नाम है? अस्मा। अस्मा अस्मा पा अस्मा दी अस्मा दी आपको नहीं ना अस्मी आप पहले कालशिखर में आए थे? कालशिखर में आके थे? कभी आए थे? अभी 10-15 मिनट पहले। तो कहाँ कहाँ लेके गए? बिलाल लेके गए और कहाँ लेके गए? बिलाल लेके गए, उन लोगों ने नीचे से ही वापस कर दिया, बोले हम लोगों की लाइन खराब हो जाएगी। और कलवा भी लेके गए थे आप लोग? कितने बजे से लेके निकले आप लोग? सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले हम लोग पुरानी गए थे। पानी है क्या आपके पास? पानी पानी जी जी। फिर वहाँ से कहाँ गए आप लोग? भटके के कलवा गया, कलवा बोला 5:30 हो चुके हैं यहाँ पे, अब टाइम नहीं है। जी जी मैं भी वो डॉक्टर नहीं हूँ। अभी जो भी रिक्वेस्ट जो भी अभी जी जी हाँ हमको भी समझता है यार, मुझे भी ये सिचुएशन बता नहीं रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या? ऑक्सीजन लगा दो ना भाई, लेट करके रखो। ऑक्सीजन लेके आना और पानी बताओ थोड़ा मारो। भाभी बोतल दिए? बोतल दो, बोतल पानी की बोतल है क्या? रुपए में आएगी बस, फाइन लगते। शी वाज फाइन इन फैक्ट। मत करो यार, मत करो। वो अगर फाइन था तो क्या 15 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि औरत गुजर गई? 15 मिनट में नहीं आए थे, वो 2 घंटे के बाद आए मेरे पास। अरे पर मैं क्या बोलता हूँ, 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि वो मर गई? ऐसा तुम एडमिशन डिनाई मत करो यार। सिर्फ 4 बेड सस्पेक्टेड के लिए मैं क्या करूँ आप बताइए? अरे पर 4 बेड पे 4 लोग है क्या? पेशेंट है वहाँ पे, आप अभी भी आके किसी को भी? अगर इतना सीरियस पे है सर, मैं क्या बोलता हूँ, इतना सीरियस पेशेंट आएगा तो कोविड पॉजिटिव करके ट्रीट करो ना उसको। सर अभी आज शाम में हमारा वही डिसाइड हुआ है कि वी विल ट्रीट एज अ पॉजिटिव और उनको हम करते हैं। अरे क्या चालू है यार, लोग मौत के घाट उतर रहे हैं और तुम लोग? क्या करूँ, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मैं क्या करूँ आप बताइए। अरे एवरी लाइफ हैज अ वैल्यू यार भाई, अमीर हो या गरीब हो, हर आदमी की जान की कीमत है यार। ऑफ कोर्स इसलिए मैंने बुरा हो रहा है यार ये। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, I am planning to take over Prime and Burani and Bilal Hospital. Kalsekar will run it. Sir, कर लूँगी manage अभी. Need of the hour है तो I will manage. ठीक है चलो, I'll take.
अच्छा बॉडी देने में ये आयुब को मदद तो करो आफरीन। हाँ सर कर रही हूँ सर। ठीक है थैंक यू आफरीन। चलो हाँ आफरीन मैडम। हेलो। हाँ जी बोलिए। आफरीन मैडम ये आसमा बानो जो अभी हॉस्पिटल के बाहर डेथ हुई है जिनकी, क्या मैटर है पूरा इनका, क्या मामला? हॉस्पिटल के बाहर नहीं डेथ हुई है, उनको इंटीग्रेशन वगैरह सब करने के बाद उनकी डेथ हुई है। मतलब वो आपने जब अंदर लिया तो अलाइव थी? नहीं जब मेरे पास आई वो उनकी पल्स जीरो थी। हाँ। और उनका सैचुरेशन 30% था। अब हालांकि मैंने पेशेंट को अटेंड नहीं किया था बट जिन्होंने अटेंड किया था मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा। बाकी डॉक्टर ने इंट्यूबेट वगैरह सब किया बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रिवाइव हो पाई। अच्छा तो क्या डॉक्टर से क्या बताया, क्या प्रॉब्लम थी उसको, क्या मतलब किस वजह से उसकी ब्रेथ जो है वो इतनी कम हो गई थी? अभी वो ब्रेथलेसनेस क्यों हुई थी इसके एक रीजन कोविड हो सकता है। अच्छा। तो वो अपने को पता चलेगा वो सैंपल भेजने के बाद ही। हाँ आफ्टर टेस्ट। हाँ ऐसे तो अपन नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। पेशेंट हार्डली अपने पास कुछ, मेरे को नहीं लगता 10-15 मिनट भी थे, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना। बट जो ब्रेथलेसनेस है, सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, ये सब जितना कॉमनली आप खुद भी जानते हैं अपन देख रहे हैं वो कोविड केसेस में ही हो रहा है। हाँ। तो बताना बहुत मुश्किल है बट हम ये भी नहीं चाहते क्योंकि अपने व्हाट्सएप पे भी मेरी बात हुई थी, मैंने आपको फोन किया था। हाँ। ऐसे है तो हम ये भी नहीं चाहते कि वो बच्चे का पोस्टमार्टम हो। अच्छा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी शी इज प्रेग्नेंट ना, शी इज प्रेग्नेंट ना, शी इज 6 मंथ्स, 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। यस। तो अभी हमारा है एक्सरे करके ये करके ARDS अगर है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो वो रीजन दे के क्योंकि अभी कैसे होता है आपने भी देखा होगा कि अगर ब्रेथलेसनेस है और ये सैचुरेशन ड्रॉप है तो वो डेड बॉडी को एज अ कोविड पॉजिटिव ही ट्रीट किया जाता है। मतलब उसका ये जो फॉर्मेलिटीज हैं वो रैप करके ही अपने को देना पड़ता है क्योंकि हम लोग वो टेस्ट के रिपोर्ट आने तक अभी आपको भी पता है कि कल सुबह आएगा वो बंदा, फिर सैंपल लेगा, फिर परसों रिपोर्ट आएगी, इतनी देर तो अपन उनको रख नहीं पाएंगे। तो अपने पास टेस्ट का कोई मतलब ऐसा यहाँ प्रोविजन नहीं है क्या हॉस्पिटल में? नहीं वो टेस्ट स्पेशल लैब में होता है ना। इन्फेक्शन से ही कराते हैं आप? हाँ इन्फेक्शन से ही कराते हैं अपन। अच्छा। तो ये लेकिन मैडम अभी ये डेथ होकर के तकरीबन 3 घंटा लगभग हो गया है, 3-4 घंटा कुछ हो गया है, लेकिन आपने कहा था कि पुलिस की फॉर्मेलिटीज करना पड़ेगी, पंचनामा वगैरह कुछ है उसका? एमएलसी किया ना अपने। हाँ लेकिन पुलिस तो बता रही कि हमको अभी 15-20 मिनट पहले कॉल आया है। आपने टाइम रिकॉर्ड रहेगा ना, जिसने फोन किया है ना। हाँ 10:30 बजे कुछ फोन किया है उनके पास से। 10:30 बजे। हाँ तकरीबन फिर भी 2 घंटा हो ही गया ना मैडम। हाँ 2 घंटा हो गया क्योंकि वो रिट्रीव वगैरह सब करना पड़ता है ना, ऐसे एकदम से नहीं कर सकते ना, कोशिश तो करनी ही पड़ती है अपने को, एकदम हार नहीं मान सकते ना। नहीं मैडम अभी एक एक मतलब मैं जनरल बात आपसे करता हूँ कि अभी इतने मतलब एक कोरोना 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 ऐसा जो एक हाइप मचा हुआ है, इस बीच में दूसरे डिसीज के लिए जो है मैंडेटरी मतलब सारे हॉस्पिटल्स में पहले टेस्ट रिपोर्ट लाओ तो ही हम लेंगे तो ही लेंगे, ये तो ना है ही नहीं कामदार साहब, ये नहीं है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप टेस्ट रिपोर्ट किसी पेशेंट से नहीं मांग सकते हो। आपको हर पेशेंट आने वाला एज अ सस्पेक्टेड ही ट्रीट करना है। अच्छा। उसके लिए हर हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शंस है कि आप स्टाफ को पीपी पहनाओ और उनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप चालू करो। हाँ आप उसके साथ साथ बेशक आप टेस्ट भेजो अगर आपको डाउट होता है तो, बट वो टेस्ट लेके आओ फिर एडमिट करेंगे, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। यस बराबर, एकदम दुरुस्त कहा आपने, यही तो मसला है पूरा। नहीं हुआ अभी, मैंने खुद है ना जब ये बच्ची का हुआ ना, आप यकीन मानिए मेरे को बहुत बहुत, मैं खुद रोई हूँ 5 मिनट आके कि ये क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो मैंने खुद कमिश्नर से आपको फोन किया, आवाज आपको फोन किया, मैंने सबको बोला कि सर इस पे कुछ तो कॉल लेना ही होगा। हाँ। ऐसा हम नहीं होने दे सकते, हर दूसरे दिन ये हो रहा है, ये नहीं है, ठीक नहीं है हमारे सबके लिए। ये हम अभी आप खुद मेरे पास जाके चाहिए तो पीपी पहन के देख लीजिए, मेरे पास पूरे पेशेंट है, मैं नहीं ये नेगेटिव पेशेंट नहीं ले पा रही हूँ। अल्लाह ना करे अभी वो बच्ची नहीं रहती थी पॉजिटिव तो उसको अननेसेसरी एक्सपोजर दे रहे हैं हम। बराबर, ये भी बात सही है। बराबर।
अब मेरे जो 3 बेड यहाँ पे इस रूम में लगे हुए हैं, वहाँ पे वो जगह आप देखेंगे तो वो 3 से 4 बेड की ज्यादा नहीं बैठ सकता है। अच्छा, और उसके आगे पूरा ये है। तो अभी कल मैंने बोला है, मैं प्लान अभी हिसाब से भी बात हुई है मेरी। हाँ, कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा है तो अपने को तो कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठ तो नहीं। कुछ तो कीजिए मैडम, इस बारे में आप जो है ट्रस्टीज वगैरह से बात कीजिए, कोई एक हाथ अलग सेक्शन नहीं है प्रॉब्लम। हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या रहा है, अभी अपने पास है नियरली 100-110 पेशेंट है पॉजिटिव। हाँ, अभी बोलते हैं लोग कि बम्बई बम्बई से निकलो, आप सारा डेटा चेक कर लीजिए, मेरा एक भी टीएमसी के बाहर का पेशेंट नहीं है। अच्छा, सब सब मेरे टीएमसी के पेशेंट है। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, वो बोलते हैं कि आप मुंब्रा के लिए रिजर्व नहीं रख सकते हो, आप मुंब्रा, कौसा, कलवा और ये अपना वागले स्टेट जो टीएमसी के अंडर आता है, आप यहाँ तक के पेशेंट आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें भी मैं हर तीसरे चौथे दिन पेशेंट को हॉराइजोन स्कूल भेजती हूँ, जो पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है। अच्छा, सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रख रही हूँ। अच्छा, उसके बाद भी बेड कम पड़ रहे हैं। तो अभी मैंने वही बोला कि बुरहानी या कोई हॉस्पिटल हम लेते हैं। हाँ, अगर वो चलाने तैयार नहीं है ना तो मैं चला लूंगी, स्टाफ वगैरह कहीं से भी मैनेज, कहीं से भी कुछ भी करके चला लेंगे अपन, बट कुछ कीजिए। नहीं, कैसा हो रहा है मालूम है आफरीन मैडम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना ये आईसीयू का, मतलब जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर वगैरह की फैसिलिटीज ऐसे जो पेशेंट्स को जो होती है जरूरी, वो उनको सबसे जरूरी है। हाँ, वो मिल ही नहीं पा रही है ना, कहीं पर भी कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वही गलत हो रहा है। बोला हमने शमीम साहब को भी, बोला कि 10 एम्बुलेंस खड़े कर दीजिए ना ऑक्सीजन के साथ, कम से कम वो ऑक्सीजन को हम एम्बुलेंस में तो भी पेशेंट को लेटा पाएंगे, कोई नहीं लेता है तो रिक्शा में लेके कितनी देर घूमेंगे लोग। नहीं ठीक है मैम, देखिए 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 मैम, मैं पर्सनली मतलब फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप देखिए इस पर क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, किस तरीके का क्या है कीजिए आप मेरी बहन, कि नहीं तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और हम जो है अपने आप में मलाल करते रहेंगे, और इसके अलावा फिर कुछ रहेगा नहीं, अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। नहीं, कल मेरी मीटिंग है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर कोई हॉस्पिटल नहीं बोलता है ना, अपने अपन 30 बेड किसी भी तरह निकाल के ना कल फाइनल करके उसको चालू करना कीजिए, कैसा भी करके कीजिए मैम, प्लीज प्लीज प्लीज।